तो हम इसमें होटल मैनेजमेंट के रूल्स शुरू करते हैं। होटल मैनेजमेंट में सबसे पहले हाउसेस क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका खुद ही जमीन है, जमीन यानी कि होटल है। और जब भी इंसान घर से निकल के होटल में जाता है, क्यों जाता है, कि उसको घर जैसा ही रखरखाव मिले, घर जैसी फैसिलिटीज मिले और वो घर जैसे सुकून पा सके। तो होटल मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले फोर्थ हाउस चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस यानी कि वहां पे भोजन भी चाहिए आपको, खाने पीने के लिए भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, डिनर लंच हर एक चीज वहां पे आपको प्रॉपर वे में चाहिए। और उसके बाद आपका आता है इसमें सिक्स्थ हाउस, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है मेन सर्विस। सर्विस यानी कि आप सामने वाले को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, आप उसको किस, आपने गेस्ट आपके पास होटल में आके रुक रहा है वो आपकी सर्विस से कितना खुश है। मेन तो वहां पे हाथ जोड़ के खड़े रहना, दोनों हाथों को बांध कर खड़े रहना, एक ही कॉल पर उनकी सुनना, उनकी हर एक चीज को पूरा करना, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी नीड है, वो सब एक सिक्स हाउस वाला ही अच्छी तरह से कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि सारे जितने भी कर्मचारी, देखो तो होटल में जाओगे तो वो ऊपर की सीट से नीचे की सीट पर सब आपको कर्मचारी मिलेंगे, क्योंकि ओहदे में जरूर फर्क हो सकता है। तो सब इनको सिक्स हाउस की श्रेणी के अंदर, ये जितने भी वहां पे लोग मिलेंगे सब वही आते हैं। थोड़ा सा जो ऊपर के अधिकारी हो जाते हैं, जो एक मैनेजमेंट की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए टेंथ हाउस भी देखते हैं। और बिजनेस करना है तो टेंथ हाउस भी आ गया। तो होटल मैनेजमेंट के लिए हमारे हाउसेज हैं सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस। ये सब होटल मैनेजमेंट के लिए हाउसेज को देखना बहुत जरूरी है। और सेवंथ हाउस भी देखना है, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि फोर्थ हाउस अगर घर की फैसिलिटीज दे रहे हो तो फोर्थ से फोर्थ सेवेंथ हाउस है, तो सेवेंथ हाउस को भी जरूर देखना है। और अब इसके अंदर आते हैं आपके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अंदर सबसे पहले वीनस, जो आपने सबने बताया कि आप होटल के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपकी आंखें चारों तरफ जाएंगी, तो सब कुछ एक करीने से देखभाल करके सजा सवरा एक अच्छे से डेकोरेशन तरीके से साफ सफाई की तौर से वो वीनस ही अट्रैक्ट करेगा आपको वहां पे। कि वीनस का काम है लग्जरी चीजों के साथ अट्रैक्शन देना, तो वो होटल के कोने कोने पर आपको दिखेगी। राहु, क्योंकि दिख क्या रहा है, होटल ही है, दिखेगा आपको एकदम जाके कि अब आप मोहित हो जाओगे, तो वो राहु का ही काम है आपको एक तरफ से अपने अंदर से उसको अट्रैक्ट कर देना। तो बिना राहु के भी आपको इसके होटल मैनेजमेंट के अंदर सामने वाले को अपनी चीजों में उलझा लेना वो नहीं आ पाएगा, उसमें राहु का भी बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आपका आता है चंद्रमा, क्योंकि वीनस जिस तरह से दिखावा दे रहा है, जिस तरह से वीनस दिखावा दे रहा है उस तरह से चंद्रमा भी उसको प्रेजेंट को निखार ले आएगा वहां पर, कि वीनस निखार दे रहा है और चंद्रमा उसके निखार को बखूबी आगे करके डबल कर देगा। तो ये सब प्लैनेट हमने वहां पे देखने हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लैनेट मार्स। मार्स के अंदर क्या है, वहां पर आपको लिफ्ट भी चाहिए, वहां पर आपको बिजली भी चाहिए, एसी भी चाहिए, वहां पर आपको खाना भी चाहिए, बनाने वाला शेफ भी चाहिए, तो ये सब आपको मार्स ही दे सकता है। और छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी रूम में अगर आपको डिस्टर्ब करती है तो उसमें भी आपको मार्स चाहिए। एक आपका आता है इसमें मरकरी, बुध, क्योंकि मैनेजमेंट, आप होटल के काम में नाम ही उसका होटल मैनेजमेंट है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगी तो नेचुरली सामने वाला आपके काम से खुश भी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी वहां पे फ्रंट ऑफिस में बैठे हैं उनकी लुक देखते हो आप, कैसे सजे सबरे एकदम तरीके से बैठे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपका बिल बना रहे हैं, तो ये सब आपका मरकरी ही कर सकता है। फिर उसके अंदर आपका आएगा सैटर्न, जो सैटर्न भी आपने सबने बताया, क्योंकि सैटर्न सबसे ज्यादा काम तो वहां पे शनि का ही है ना, हर तरीके से उसको, होटल आप छोड़ोगे, रूम छोड़ोगे तो कैसा करके छोड़ते हो, पर मिलेगा तो आपको कैसा मिलेगा, आपके तकिए उठाना, चादरें साफ करना, टॉयलेट क्लीन करना, रूम क्लीन करना, हर तरह की साफ सफाई करना, धुलाई करना, वो सब आपको सैटर्न ही करेगा वहां पे।
सारे ही ग्रह आ गए इसमें तो। सारे ही ग्रह आ गए क्योंकि सबका अपना अपना काम है यहाँ पे। देखो चंद्रमा जरूर है क्योंकि आपको अच्छे से एक बैंकेट हॉल की तरह सजा संवरा दे रहा है वो आपको। राहु का शुक्र का संबंध आता है तो एक मैनेजमेंट के अंदर कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है, तो जुपिटर भी आ गया मैनेजमेंट के अंदर, तो ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स का रोल इसमें, होटल के अंदर सब चीजें है ना, तो प्लैनेट्स तो सभी आएंगे। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन अब ये भी है ना, आपकी सारे प्लैनेट्स तो आपने देखे लेकिन आप सारे कामों में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना होटल मैनेजमेंट में। अब यहाँ पर आपका सवाल ये आएगा कि किस होटल मैनेजमेंट में, किस फील्ड में मैं एक्टिव हो सकता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा किस फील्ड में वहां पर मुझे काम मिलेगा। तो अब जब हमने इन सब प्लैनेट्स की बात की है तो नेचुरली है फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हॉरोस्कोप में सबसे अच्छा कौन सा प्लैनेट स्ट्रोंग है, तो आप नेचुरली उसी फील्ड में चले जाओगे। वीनस आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको वो लुकिंग अट्रैक्शन सफाई डेकोरेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपका जुपिटर बुध अच्छा है तो मैनेजमेंट हो गया, आपका फ्रंट सीट पे आपको बिठाएगा, आपको अकाउंट के लिए बुला लिया जाएगा। आपका सैटर्न अच्छा है तो नेचुरली है फिर वो थोड़ा सा सफाई क्लीनिंग के लिए हो जाएगा। मंगल अच्छा है तो आप शेफ अच्छे बन जाओगे, आप खाना अच्छा बनाना शुरू कर दोगे। राहु अच्छा है तो दिखावा कि किस चीज को किस तरीके से संभाल के रखना है, तो आपको राहु तो वैसे ही हर चीज में पाखंड दिखाएगा कि भाई ये चीज सामने को अच्छे से उसको अपनी उसमें शीशे में उतार लेगा सामने वाला। बात करने का तरीका इनका हमेशा थोड़ी ना हाथ बांध के इंसान खड़ा रहता है, तो आपको दिखा रहा है आपकी सेवा में खड़ा है कुछ और बल्कि वो। तो मुझे अगर हॉरोस्कोप है अगर किसी के पास कुछ होटल मैनेजमेंट की तो हॉरोस्कोप दे दो, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके साथ। मैम मेरे पास है, मेरे कजन ने होटल मैनेजमेंट किया था। आप डेट ऑफ बर्थ बोल दो। इशू आपके भी हॉरोस्कोप लेते हैं, एक मिनट पहले मैं उनसे क्या बैठी थी। 12 दिसंबर क्या कह रहे हैं मैम मेरी? नहीं होटल मैनेजमेंट की हॉरोस्कोप टाइम। प्लेस ऑफ बर्थ तो ये हॉरोस्कोप मैं शेयर कर रही हूँ, देखना होटल मैनेजमेंट के हॉरोस्कोप है ये। इसके अंदर ये काम भी कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट का और होटल को चला भी रहे हैं। तो देखो हमारे पहले हाउसेस क्या थे, सेकंड हाउस, उसके बाद हमारा हाउस था फोर्थ हाउस, स्क्रीन नजर आ रही है अब? हाँ जी मैम आ जाएगी, नेट स्लो है आपका, आ जाएगी। सेकंड हाउस फोर्थ हाउस भी लगाया था हमने, सेवेंथ भी लगाया था हमने, यहाँ पे सिक्स भी लगाया था, यहाँ पर हमने टेंथ भी लगाया था। प्लैनेट तो हमने ऑलमोस्ट सारे लगाए थे। क्या करते हैं वहाँ पे? ये इनका अपना होटल है और होटल के अंदर ऐसा नहीं है कि एक राजा की तरह बैठना है, तो सारे काम को भी तरीके से मैनेज कर रखा है इन्होंने। हाँ कोर्स भी कर रखा है इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। आप अगर वहां आके बोलोगे ना तो इजी रहेगा, सबको सुनाई देगी आपकी बात। तो सबसे पहले देखो सेकंड हाउस वीनस, वीनस का सेकंड हाउस में आना, एक तो की जबान में इतना मीठापन कि सामने वाले को अपनी बातों में अट्रैक्ट कर लेना, ये वीनस का काम है। रंजना आपकी इसमें चाहिए कि अगर आप साथ साथ कहोगे तो इजी हो जाएगा? जी मैम, क्योंकि सेकंड हाउस क्या दे रहा है आपको, वाणी को आपकी अट्रैक्ट कर रहा है और होटल मैनेजमेंट आपके पास की वहां रुकने के लिए आ रहा है। हाँ अपनी राशि में बैठा है तो वहां, और राहु के नक्षत्र में भी है वीनस,
वहां पर कोई आ रहा है आपके पास, रुक रहा है, बैठ रहा है, आपने उसकी आवभगत कैसे करनी है? एकदम हाथ जोड़ के बिल्कुल तरीके से मेहमान नवाजी करना, और सामने वाला भी आपकी बातों में मैं भी झूठ को सच को थोड़ा झूठ भी बना देते होंगे कि तू की दृष्टि भी जा रही है। नेचुरली बात है, आपको थोड़ा सा तो दिखावा तो करना पड़ेगा ना, वो राहु को दिखावा दे गई। आपको किसी भी काम में अब सामने वाले को अट्रैक्ट करना है तो आपको थोड़ा सा आवभगत तो करनी पड़ेगी ना, बिना उसकी तो आवभगत आएगी भी नहीं राहु के। शुक्र अपनी राशि में राहु के नक्षत्र में, तो नेचुरली वो, और फोर्थ हाउस में राहु अपने पाके बैठ गया, फोर्थ हाउस में राहु का संबंध बनना नेचुरली है कि वो एक घर की तरह आपको वातावरण दे देगा, दिखावे वाला वातावरण होगा लेकिन घर की तरह दे देगा वातावरण। और होटल नेचुरली घर की तरह वातावरण ही है, घर तो नहीं है लेकिन घर की तरह है, घर से कम भी नहीं होता। क्योंकि आप थके हारे किसी काम से, किसी भी उसमें बच्चे कुछ किसी भी रीजन से गए हो, आपको एक घर जैसा सुकून चाहिए, तभी आप वहां पे एक या दो दिन जितना भी समय गुजार सकते हो। उसके बाद आपका सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस का नेचुरली लोड आपका इसके अंदर शनि है। शनि अपने से बारहवें जरूर चला गया है लेकिन सैटर्न का रोल अगर सिक्स हाउस में आता तो इंसान मेहनत करने से कभी पीछे नहीं आता। दूसरा आपका इसको लेबर के लिए काफी दिक्कत होती होगी। हाँ वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी तो जो रूल तो लगा है ना वो तो हर चीज में भी माइनस प्लस तो आएगा ही आएगा, सेटिंग तो हर किसी को कहीं ना कहीं रहती है। सेवेंथ हाउस हमने लिया है इसके अंदर फोर्थ से फोर्थ जुपिटर, जो अपने से सिक्स हाउस में बैठा है, फिर से सर्विस में आ गया। सर्विस ये नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, लोगों को सर्विस देना भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। ये जोमेटो वाले हैं आपके, ये जो आते हैं वोडाफोन है, एयरटेल है, ये सब सर्विस ही तो दे रहे हैं आपको अपनी। ये भी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर अपने से सिक्स में गया, इनकी मैनेजमेंट के रूप में सर्विस देना। उसके बाद सेवेंथ हाउस भी आप लगा रहे हो जिसका लॉर्ड आपका है मरकरी। मरकरी देखो थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस एक तरह से पराक्रम, आपका करेज, संघर्ष, मेहनत, तो यानी कि टेंथ अपनी जिंदगी में संघर्ष और मेहनत में पीछे नहीं हटना। लेकिन केतु के आने से इस बंदे में ना टेक्निकल पावर बहुत है। हाँ मैनेजमेंट की पावर है, कम्युनिकेशंस की वो काफी अच्छी वो बंदी है। कम्युनिकेशन तो सेकंड हाउस को दे ही दिया ना, वो तो सेकंड हाउस को पावरफुल नहीं। तो टेंथ हाउस भी आपको मैनेजमेंट अच्छी दे रहा है, सन के साथ बैठना, मार्स के साथ बैठना, मरकरी के साथ बैठना, तो हर काम को, अगर बिजली का काम भी खराब आए, किचन का भी में भी है, तो हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा ये पर्सन जाके। तीसरा हाउस करेज में कमी नहीं देता, मुझे करना है तो मैं छोटे मोटे काम भी करूंगा, बड़े भी कर लूंगा। थर्ड हाउस आपको हर चीज के अंदर पराक्रम देता है, रिस्क उठाने में माहिर है थर्ड हाउस, तो वो इसीलिए टेंथ का लॉर्ड, एक तो अपने से सिक्स में जाना, दूसरा थर्ड हाउस में जाना, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पराक्रम और संघर्ष और सर्विस करे, ये सब मिलकर मल्टीपल काम करने में इंसान तैयार रहता है, उसको शर्म नहीं आएगी छोटे काम करने में, वो बड़े काम में भी तो माहिरता तो है, हिचकिचाहट नहीं होती। तो जो मल्टीपल प्लैनेट्स हम लगा रहे थे होटल मैनेजमेंट में, मल्टीपल हाउसेस हाउसेस को जैसे जोड़ रहे थे, तो सब इस होरोस्कोप में दिख रहा है। वो अलग चीज है, संघर्ष आ रहा है, सैटर्न अपने से ट्वेल्थ में है, केतु भी थोड़ा सा टिकाव कम देता है, तो जो अपस्टोन हो तो आपको कोई भी आप अच्छी से अच्छी होरोस्कोप भी लगाओगे ना, माइनस चीजें तो उसमें भी निकल कर आ जाएंगी, कि जो दिखता है वो हर चीज की जिंदगी में नहीं होता, सुकून नहीं होता। बिजनेस तो अप्स एंड डाउन्स देता ही देता है, बिल्कुल देता है, बिजनेस अप्स एंड डाउन्स देता है। देखो आप जब तक किसी काम में संघर्ष नहीं देखोगे ना, मेहनत नहीं करोगे, आप उसमें स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस भी नहीं पाओगे कभी। सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आप गिरोगे भी, फिर से चढ़ोगे, संभलोगे, फिर फिसलोगे, तो बिजनेस तो फिर यही है। इसके अंदर आपका सूर्य आदित्य पति योग बन रहा है, आपका बुध आदित्य पति योग, क्योंकि सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, बुध आदित्य पति योग है सूर्य और बुध का। हाँ थर्ड हाउस मेहनत से देगा, देखो योगों को यहाँ समझो, योग रिजल्ट कैसे देंगे, योग रिजल्ट देंगे हाउसेस के साथ देंगे, मेहनत से संघर्ष से पैसा देगा, हिम्मत नहीं हारेगा, बस ये जो भी है हिम्मत कभी नहीं हारेगा जिंदगी में, एफर्ट्स, बहुत मेहनती इंसान है, मेहनती इंसान है, बहुत जबरदस्त मेहनती है।
छोटे बड़े कामों में इसको, और होना भी ऐसी चाहिए। आप ये थोड़ा कि राजा की तरह सीट पे बैठे हो तो नीचे काम नहीं करोगे तो आपको सक्सेस तो मिलनी नहीं। देखा क्या आपने अगर मेहनत करके आगे नहीं बढ़े तो? चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना कोई फायदा नहीं है मैम। पर मंगल और बुध दोनों अस्त भी हैं। राहु का भी रोल आ रहा है इसमें गुरु के साथ। किसका रोल आ रहा है? राहु का चौथे घर में। हाँ तो वो चौथे घर को जोड़ तो दिया होटल के साथ, थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ, दिखावे के साथ, होटल को घर बनाना एक बदल दिया। इशू क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, मंगल और बुध अस्त भी हैं इसमें तो हाँ, अस्त है तो इसके अंदर देखो ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और थर्ड हाउस वैसे भी ओवर कॉन्फिडेंट का हाउस है, ओवर कॉन्फिडेंट कई बार इसको थोड़ा सा परेशान भी करेगा। मैम मतलब जैसे इसको कोई बातों में लगा के इससे अपने काम करवा लेता होगा। हाँ यहाँ थोड़ा सा माइनस है इसके लिए, थोड़ा सा है। बाकी समझाओ तो मैम, इसने लोन लेके बनाया क्या, ये कर्जा लेकर कराया क्या काम? हाँ लोन लिया, पैसा लिया है थोड़ा सा, लोन कर्ज लिया है। बिजनेस में तो ये सब चलेगा ही, बिजनेस के पास इतनी किसी से दादा की जायदाद नहीं होती जो कि खड़ा हो जाए। अच्छी इसके अंदर पैसा चाहिए। इशु आप हॉरोस्कोप दे रहे थे एक बेटा? नहीं योग तो लगाना है। हाँ 25 अक्टूबर 1982